हिंदू धर्म में पूजा पाठ में कपूर जलाकर आरती करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में सुबह और शाम कपूर जलाया जाता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। माना जाता है कि उस घर में सुख समृद्धि और धन की भी कभी कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कपूर में इन चार चीजों को मिलाकर जलाने से दुगना फायदा होता है? चलिए हम बताते हैं आपको कौन सी हैं वो चार चीजें। सबसे पहली है लौंग और कपूर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूरज ढलने के पहले नियमित रूप से कपूर के साथ लौंग जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। दूसरा है इलायची और कपूर। घर में सुख समृद्धि बढ़ाने और आय के साधनों में बढ़ोतरी के लिए सुबह शाम कपूर के साथ 3 इलायची नियमित रूप से जलानी चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। तीसरा है गुलाब का फूल और कपूर। किसी भी तरह की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सुबह के समय कपूर के साथ 1 गुलाब का फूल जलाएं। ऐसा हर रोज करने से धन संबंधित समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। और चौथा है देसी घी और कपूर। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से देसी घी में कपूर डुबोकर जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से पितृदोष से मुक्ति मिलती है।